में मुल्तान रोड पर दो रिक्शों में तसादुम, एक बच्चा जान बहक और सात जख्मी। रिक्शों में स्कूल के बच्चे सवार थे। जख्मियों में फातिमा, ईमान, महनूर और जीना शामिल, जबकि जान बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त फैजान के नाम से हुई। जुडिशियल पॉलिसी के खिलाफ जनूबी पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला की हड़ताल का दूसरा रोज। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर वकला की अदालतों का बायकॉट, अदालती अंबूर मुतासिर। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के सीनियर जज अली बाकर नशवी की रोही से खसूसी गुफ्तगू, बोले इंसाफ के सिदारे पर अवाम को एतमाद है, पूरी कोशिश है कि साइलीन को जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। सीयू हेल्थ मियांवाली डॉक्टर सईद अहमद शेख का रूरल हेल्थ सेंटर वहां भुचना का दौरा, अस्पताल के इंतजाम और इमरजेंसी ब्लॉक के तामीराती काम का जायजा लिया। जश्न बहारा की खुशियां, रोही के दोबाला, मुल्तानियों के लिए ढेरों इनामात जीतने के मौके। स्पोर्ट्स इंतजामिया के ताबून से स्पोर्ट्स हॉकी ग्राउंड में आज मेले का आगाज। ग्राउंड और चौराहों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हैंडबॉल, कबड्डी और ढेरों मुकाबले, जश्न बहारा मेले का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। और मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी हिंदू बरादरी अपना खुशियों और रंगों भरा त्यौहार, मजहबी त्यौहार होली मना रही है। बच्चे बड़े सभी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और एक दूसरे को होली मुबारक के पैगाम दिए जा रहे हैं।